6 अप्रैल 2022 आज की साकार मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धिमान बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। प्रश्न, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर, धैर्यता का। लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, घबराने वाले ना पास हो जाते हैं। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया। एक और प्रश्न, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर, स्वर्ग में आना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्यों की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। गीत, नई उम्र की कलियां। ओम शांति। भगवान वाच। आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। स्वदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या श्री कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। न जानने के कारण सिर्फ विष्णु को व कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता नहीं। सिर्फ चक्र दे दिया मारने के लिए, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं। कौन सा ज्ञान? यह सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, वो सिर्फ तुम्हारे में है। अब यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। यह सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए, जो समझ भी जाए प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हो, क्योंकि वो सब है एक एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। इतनी छोटी छोटी बच्चियां हो, बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वो आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए, सिर्फ देखने का शौक नहीं। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई। यहाँ समझाया जाता है ना कृष्ण गीता गा सकते हैं ना ही सुना सकते हैं। जो मोर मुकुटधारी हैं, डबल सिर ताज व सिंगल ताज सूर्यवंशी चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी, कोई भी गीता की नॉलेज को जानते नहीं। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाए, भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में सच्चा गीता का ज्ञान आए कहां से? ये सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते क्या नतीजा हुआ? गिरते ही आए हैं, कलाएं
कमती होती जाती हैं। बल कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट कर रखे, कुछ भी फायदा हो न सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें भी खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सत्व प्रधान, अब तमो प्रधान बन गए हैं। जो बिल्कुल ऊंच थे, पैराडाइज के मालिक थे, वह अब नर्क के मालिक बन गए हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी जुत्ती है जिससे हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी जुत्ती है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरों के महल थे। अब तो बाबू कहते हैं वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। ड्रामा अनुसार फिर इनको वैश्यालय से शिवालय बनना ही है। बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे हैं। आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे, अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है काम विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, अब विकारी बने हैं, गोरे से सांवरे बने हैं, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बनते हैं। बाप कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते हैं, तब उन्हों को मैं आकर संपूर्ण सत्व प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके, बहुत फर्क है। बल करके ये जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर को में ही प्रवेश करता हूँ। जो पूरे 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, उनमें प्रवेश करता हूँ। बल इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदे सिर बना हुआ है, इसलिए साधारण रथ को पकड़ा है। ये भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसी अच्छी दवाई देते हैं? कहते हैं मुझे याद करने से तुम कब रोगी नहीं बनेंगे। तुमको कोई दवा दर्मल नहीं करनी पड़ेगी। ये श्रीमत है, न कि कोई गुरु का मंत्र आदि। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है, तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय बने हो। बाप भी निर्भय है ना। कितना भी हाहाकार मच जाए, धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है। चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू, बाबा के पास। घबराना नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं, इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फेमिन की, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना है और मारना भी है, जान का भी डर नहीं। बल उनको यह भी ज्ञान नहीं कि शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं, बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय। तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। वो नौकरी तो करनी ही है, अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते हैं। शिव के भगत तो ढेर है, परंतु तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। शिव बाबा को याद करो, वापस जाना है फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार।
जानेंगे कि प्रभु गुप्त वेश में आए। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। समझो सिर्फ लाइट चिंगारी देखे, परंतु समझेंगे कुछ भी नहीं कि ये कौन है, किसकी आत्मा है व परमात्मा है, कुछ अर्थ नहीं समझने। तो क्या फायदा? देवताओं के साक्षात्कार में फिर भी कुछ भपका होता है, खुशी होती है। यहाँ तो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। स्वर्ग में आना भी सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख और कोई देख न सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? ये तो पुराना भारत है। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, तो कुल थोड़े थे। अब तो बहुत है, कितना रात दिन का फर्क है। अखबार में भी समझा सकते हैं, तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु नव भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होंगे ना, वह तो पैराडाइज होगा। सो तुम कैसे बन सकते हो? यहाँ तो अनेक धर्म हैं, वहां एक ही धर्म है। ये सारी समझने की बातें हैं। हम सब मूल वतन से आए हैं, हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं है, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि निर्वाण धाम में आत्मा बोल न सके, क्योंकि शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। ये नई बात है। शास्त्रों में लिख दिया है कि आत्मा बुदबुदा है, सागर में समा जाती है। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गवाते हैं। इनकी नो एंड होती है, ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती ही नहीं। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजन महारानी बनते हैं। ये सब बातें खत्म होने वाले हैं। विनाश सामने खड़ा है, फिर क्यों लोभ जास्ती करें धन इकट्ठा करने का? सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाए? बाबा कह देते हैं, आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो कर सके। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरा, विनाश सामने है इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना। ऊंच पद पाने के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। वरदान, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फखर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिकर बादशाह भव। विस्तार, बाप दादा द्वारा सब बच्चों को अखुट खजाने मिले हैं। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन
और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है, जिसे जितना रूहानी फखुर रहता उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां फखुर है वहां फिक्र नहीं रह सकता। जो बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ओम शांति।